स्पेन के राष्ट्रपति को और कह दिया कि भारत के बच्चे तिरंगा झंडा लेके निकलेंगे, जब तिरंगा लेके निकले तो युद्ध विराम हो जाए, युद्ध बंद हो जाए, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित निकल आए। और भारत के बच्चे, भारत माता की जय, और तिरंगा हाथ में लेके निकले तो रूस ने भी युद्ध बंद, यूक्रेन ने भी युद्ध बंद कर दिया, और हमारे बच्चे सुरक्षित भारत माता की जय बोल के बाहर निकल आए। ये नेतृत्व है नरेंद्र मोदी का। पहले पिट्टी पिट्टी से देश हमें डराते थे, लेकिन आज क्या मजाल है, चीन के सैनिकों ने जरूरत की भारत की सीमा की तरफ आने की, तो भारतीय सैनिकों ने उनकी गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंक दिया। ये भारत आज का भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, वो भारत है जो दुनिया में तेजी से आज आगे बढ़ रहा है। ये भारत जो नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, और ऐसा भारत जो दुनिया का कल नेतृत्व करेगा, दुनिया को दिशा दिखाएगा। अब इस भारत के निर्माण के लिए एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। बोलो बनाना है कि नहीं। और इसी मैं दो कारणों से आया, एक कार्यकर्ता साथियों, हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूं मैं, ये आपको वचन देने आया, कभी ऐसा नहीं होता, ये अजूबा है कि तीन दिन भी नहीं हुए हो रिजल्ट के, और इन सीटों पे जहां जीत नहीं पाए कोई आ गया हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारा हूं, मैं बेताब का श्योपुर वालों आपसे मिलने के लिए एक बार कार्यकर्ताओं को गले लगाऊंगा, हाथ मिलाऊंगा और कहूंगा कि आंखों में आंसू नहीं चाहिए, फिर से आत्मविश्वास से भर के खड़े हो जाओ, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। सरकार तो अपनी बन रही है, चिंता काय के लिए करते हो। एक कारण तो ये था, अरे मैं तो तुम्हारा परिवार हूं, मेरे कार्यकर्ता बहनों भाई, अपनी जिंदगी है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनता की और अपने प्रदेश की सेवा करना, दीनों की, दुखियों की, गरीबों की, और श्योपुर का विकास, विजयपुर का विकास निरंतर जारी रहे, और कार्यकर्ता का मान सम्मान और स्थान सुरक्षित रहे। चिंता मत करना, मान सम्मान और स्थान सुरक्षित रहे, उसका प्रबंध करेंगे। और दूसरा कारण था कि विधानसभा में हम नहीं जीत पाए, लेकिन आज हम संकल्प करेंगे कि किसी भी हालत में श्योपुर विधानसभा से और विजयपुर विधानसभा से मुरैना लोकसभा में इतनी बड़ी लीड देंगे, इतने वोटों से जिताएंगे कि दुनिया आश्चर्य करेगी कि कितनी बड़ी जीत श्योपुर वालों ने दी। उसके लिए मानसिक रूप से हम सबको तैयार होना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगली लड़ाई के लिए कार्यकर्ता तैयार हैं क्या? अरे जोर से बताएं, तैयार हैं क्या? लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने मुरैना का सांसद देंगे, तो आइए मेरे साथ संकल्प कीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, और भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का संकल्प कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग कार्यक्रम में पहुंचे, और कार्यक्रम के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ताओं से 1-on-1 चर्चा भी करेंगे। ऊपर का जो कमरा है,
भाई साहब हटिए हटिए थोड़ा।